हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं एक अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट लास्ट 15-20 दिन पहले मुझे कोविड हो गया था, उसके पहले स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था। अभी होपफुली भगवान की दया से सब ठीक हो गया है। आज का वीडियो मैं एक्चुअली वीडियो नहीं, ये पूरी सीरीज ही निकालने वाला हूँ। और इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मुझे हर एक क्रेडिट कार्ड जो मेरे पास है उसमें मैंने जो स्पेंडिंग की और उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, कितना पैसा मैंने उसमें से एक्सट्रैक्ट किया, मैंने अर्न किया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये इसको अर्निंग नहीं बोल सकते, रिवॉर्ड्स है, ये है, वो है, जो भी आप बोलिए इसको रिवॉर्ड्स बोलिए। बट मुझे एनुअल फीस भरने के बाद कार्ड की और मैंने जो परचेजिंग की है उसके ऊपर ये मुझे बेनिफिट्स मिले हैं, पैसे मिले हैं, तो मेरे लिए मैं इसको एज अ अर्निंग ही क्लासिफाई करूँगा, भले आप उसको रिवॉर्ड्स बोलो या कुछ भी बोलो। अब दोस्तों, वन बाय वन मैं आपको ये नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हर एक कार्ड का, कभी एमएक्स का बताऊँगा, अमेजोन पे का तो एक साल हुआ नहीं है, बट HDFC रिगालिया का बताऊँगा, सिटी बैंक का बताऊँगा, ये सारी चीज़ों का मैं आपको बताऊँगा। बट आज जो मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है वो है HDFC रिगालिया, और इसके बारे में मैं आपको, मैंने पिछले साल कितना कमाया इसके थ्रू और कैसे कमाया, ये अगर आप इसकी वैल्यू जानेंगे ना तो आप बोलेंगे कि क्या बात है, चूस लिया पूरा ये कार्ड को। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैंने जो कैटेगरीज डिवाइड की हुई है, सबसे पहले तो मैंने जो माइलस्टोन बेनिफिट्स मिलती है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। दूसरा, मैं इसमें आपको कंसिडर कर रहा हूँ स्पेंडिंग बेनिफिट्स जो मिलते हैं, और तीसरा मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ जो मेरे पूरे रिवॉर्ड पॉइंट्स मुझे इकट्ठे हुए, और चौथा मैं इसमें कंसिडर करता हूँ जो कैशबैक्स मिला हुआ है। अब ना दोस्तों, मैंने वो नहीं कंसिडर किया है कि आप कुछ ख़रीद रहे और आपको 20% ऑफ मिला, जैसे स्विगी में आप 149 का ख़रीदेंगे तो कभी कभी 10% ऑफ मिलता है, बहुत सारी ऑफर स्विगी की रहती है, जोमेटो की रहती है, जिसमें आपको 20 रुपया, 50 रुपया, कभी कभी 100 रुपया, ऐसे सारे ऑफ़र्स मिलते हैं, कट होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कंसिडर नहीं की है, मूवी ऑफ़र्स कंसिडर नहीं की है, क्योंकि इसको मैं अर्निंग नहीं बोलता हूँ, इसको मैं प्रॉपरली जो डिस्काउंट है वो बोलता हूँ। तो मैंने इसमें जो मैंने बताया, जो जो कंसिडर किया है, स्पेंडिंग बोनस जो मुझे मिला है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कंसिडर की है, जो मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। तो HDFC रिगालिया में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक साल में 40,000 पॉइंट्स बन गए हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स, और इसकी मैं अगर मिनिमम से मिनिमम 30 पैसे की कन्वर्जन रेट गिनूँगा तो मुझे 12,000 रुपया वो एक साल में मिला हुआ है। मैं आपको ऊपर एक बिल का स्टेटमेंट बता रहा हूँ जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे 40,000 पॉइंट्स हो गए। अब दोस्तों, ये 40,000 पॉइंट्स जो है इसमें मैंने माइलस्टोन बेनिफिट जो मुझे दो बार, एक 5 लाख पे होता है और एक 8 लाख में होता है HDFC रिगालिया में, और ये मैंने साल भर में दोनों माइलस्टोन अचीव किए, तो वो 10,000 पॉइंट और 5,000 पॉइंट मुझे मिले, तो 40,000 में से 15,000 वो है, फिर भी मुझे साल भर में 25,000 पॉइंट्स इसमें मैंने इकट्ठा कर दिए हैं, तो टोटल 40,000 पॉइंट्स मुझे मिले हुए हैं। अब मैंने ये 40,000 पॉइंट्स जो है वो कैसे कमाए हैं, क्या ट्रिक्स यूज़ किए हैं, तो मेजॉरिटी कैसा है इसमें जो मैंने इंश्योरेंस वगैरह लिए थे वो HDFC अर्गो के लिए थे, और इसके लिए मुझे अच्छे खासे रिवॉर्ड मल्टीप्लायर्स भी मिले। आप अगर HDFC के कार्ड से HDFC के प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, और मैंने HDFC लाइफ भी लिया था तो उसका भी मुझे पॉइंट्स मिला है, तो कहीं ना कहीं पूरे साल भर में मैंने 40,000 पॉइंट्स इक्वल टू 12,000 रुपीस कमाए, स्टेप वन है। दूसरा दोस्तों, मैंने इसमें जो स्पेंडिंग बोनस है वो मैंने इसमें कितना मुझे मिला है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, स्पेंडिंग बोनस तो आपके नसीब पे रहते हैं, सबको ये चीज़ नहीं मिलती है, कार्ड की स्पेंडिंग के हिसाब से बैंक सबको ऑफर्स थ्रो करता है, तो मुझे 5 स्पेंडिंग इसमें स्पेंडिंग बोनस मिले हुए थे, और मैंने सारे के सारे
इसमें यूज़ कर दी है। तो सबसे पहले तो मुझे, मैं इसकी सारी स्नैपशॉट्स मैसेजेस की ऊपर बता दूंगा। तो सबसे पहले मुझे मिला था 7000 रुपीज़ का स्पेंडिंग बोनस। तो ये इसमें मुझे 90000 रुपीज़ स्पेंड करना था विद इन अ पीरियड ऑफ जो भी 10-15 दिन। तो उसमें मुझे 7000 मिला। ये 7000 को मैंने फिर रिडीम किया बिग बास्केट में और फिर मैंने उसकी ग्रोसरीज ले ली। उसके बाद मुझे मिला 3000 रुपीस स्पेंडिंग बोनस। सेम, अगर आप 40-50 हज़ार की स्पेंडिंग करेंगे तो आपको ये, और ये टारगेटेड ऑफर्स है। उसके बाद मुझे मिले 2000 और उसके बाद मिले मुझे 1000 रुपीज़। तो स्पेंडिंग बोनस जो मुझे मिले है वो है 7000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 1000 इक्वल टू 13000। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया जो टोटल पॉइंट्स 40000, जिसका वैल्यू 12000 मैंने गिना हुआ है, और स्पेंड बोनस जो मुझे 13000 मिला है। तो अभी तक मुझे 25000 रुपये का फ़ायदा हुआ। चलिए दोस्तों आगे और बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों मुझे मिले हैं माइलस्टोन बेनिफिट्स। तो माइलस्टोन बेनिफिट्स मैं अलग से आपको नहीं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला मैंने उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स में डाल दिया है। और उसके बाद मुझे मिला है कैशबैक। अब ये कैशबैक में मैंने एक्चुअली आईपैड ख़रीदा था, कुछ 29000 रुपीज़ का आईपैड था और उसमें कैशबैक था 3000 रुपीज़। तो मुझे कैशबैक मिला था 3000 रुपीज़। तो दोस्तों ये थे मेरे जो अर्निंग्स है, तो वो 28000 रुपीज़ की मुझे अर्निंग हुई है। इसको छोड़ के जो मुझे डिस्काउंट्स मिले हुए हैं वो अलग, उसको तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ डिस्काउंट्स को। तो पूरे के पूरे HDFC रिगालिया से ये साल में मैंने अराउंड 28000 रुपीज़ कमाया है। और मुझे एक्चुअली ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिला हुआ है। और ये लाइफ टाइम फ्री इसके लिए मिला है कि तभी एक ऑफ़र चल रही थी कि अगर आप दो बिल्स ऑटोमेटिकली इसमें अगर आप मैप कर देंगे तो आपको ये लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। तो इसकी जो फ़ीस है 3000 रुपीस की, वैसे भी वो वेव ऑफ हो जाती है स्पेंडिंग पे, बट इसकी जो फ़ीस है वो भी मुझे नहीं मिली, नहीं लगी है। आज के लिए इतना ही। HDFC रिगालिया से मुझे 2021 में 28000 रुपीस का फ़ायदा हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। और अगर कोई और बेटर कार्ड है जिससे और बेनिफिट्स मिल सकते हैं तो वो भी बताइएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।